हर हर महादेव। तो केदार घाटी से सुबह हो चुकी है, चंद लम्हों में बाबा केदार के कपाट जो है वो खुल जाएंगे। घाटी के कुछ व्यू इस प्रकार से हैं, सभी श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं, अपने टोकन ले रहे हैं। तो टोकन सिस्टम स्टार्ट हो गया है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी है। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, टोकन नहीं लिया है, तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। बाकी अभी ऊपर जा रहे हैं, कपाट खुलते ही सभी लोग दर्शन करेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ ही देर में डोली परिक्रमा करेगी और उसके बाद जो है कपाट खोल दिए हैं। कुछ इस तरह से तैयारियां चल रही है बाबा केदार की। अभी यहां पर जो है डोली मंदिर के फेरे लेगी और उसके बाद जो है कपाट खोल दिए जाएंगे। तो मैं हूं मंदिर के जस्ट पीछे, कुछ ही देर में जो है डोली मंदिर की परिक्रमा करने के बाद कपाट सब लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली वो क्षण आ गया जब जिसका हमें इंतज़ार था, कपाट खोल दिए गए हैं बाबा केदार के, और उसी के साथ पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है बाबा केदार के चारों तरफ। बाबा केदार के दरबार खुलने के बाद पुष्प की वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से। चलिए अब आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ बाबा केदार की डोली 6 महीने केदारनाथ में रहती है। डोली यहीं पर रहती है बाबा केदार की। बोलो हर हर महादेव। यार पूरा मार्केट जो है यहाँ पर बंद है, किसी को भी कमरा नहीं मिल रहा। कल जिन्होंने कमरे लिए थे उनको भी निकाल दिया है, ठीक है। और अभी जो है हेली के लिए देख रहे हैं, अगर हेली का हो पाता है तो मैं वापस जाऊँगा, वरना आज ही रहना पड़ेगा। रहना खाना पीना कुछ भी नहीं है, पूरे व्यापार संघ की सारी दुकानें आप देखोगे बंद है, क्योंकि अनिश्चितकालीन जो ये चल रहा है अभी हड़ताल, तो वही है। अगर आप देखोगे तो सामने टेंट ही टेंट लगाए हैं, पूरी व्यवस्था करी गई है, लेकिन ये टेंट भी आज किसी को मिलेंगे नहीं। और यहीं पर हमारे बाबा जी भी रहते हैं, तो वापस जाने की सोच रहे हैं, लेकिन धुंध लगी हुई है कि हेली चल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। बाकी एक बारी बात करके देख लेते हैं, प्रोबेबली हल्की सी बारिश हो और धुंध जो है छट जाए। भैया केदारनाथ में ऐसा भोजन थोड़ा मिलना मुश्किल है, इसके लिए मैं आपको परफेक्ट सी जगह बताता हूँ, खाना भी अच्छा है, और इसके लिए आपको आना भेल आश्रम। देख सकते हैं आप हमको कौन मिला है, कबीरा भाई मिले भाई, बड़े लंबे टाइम बाद। और पहाड़ी भाई भी, भैया कहाँ थे आप इतने लंबे टूर में, आए नहीं? हमको छोड़ के चले गए तुम, हम तो छोड़ के नहीं गए भैया, आप आए नहीं। हम हमारी बात ये हुई थी कि डोली के साथ चलना, आप डोली के साथ आए नहीं, आखिरी दिन धोखा दे दी। और ये हमारा एक नया भाई भी आया है, भाई का नाम भूल गया यार मैं इसका, ये भंडारी भाई आया है, ये भाई साइकिल से आया इस भाई, रोते रोते आया ऊपर। मैं बता दूं कि यार जो मंदिर समिति और जो व्यापार संघ की जो क्या बोलते हैं डिस्प्यूट था वो खत्म हो चुका है, उन्होंने अपना सारी शॉप्स वगैरह खोल दी और रूम्स वगैरह देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब आप इजीली आ सकते हैं केदारनाथ यार। हरे महादेव। दोस्तों आज की मेरी सुबह होती है केदारनाथ मंदिर में, और आज है 11 मई और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ हेलीपैड अपनी टिकट के लिए, क्योंकि नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे बद्रीनाथ भी जाना है। तो कुछ देर में आपको थोड़ा दर्शन कराता हूँ बाबा केदार के, और उसके बाद अगर टिकट होती है तो मैं जाऊँगा बद्रीनाथ के लिए। और अगर आप नहीं हो पाती टिकट तो बिल्कुल मुझे पैदल चलना होगा। और यहाँ पर जो है अगर अपडेट की बात करूँ तो काफ़ी भीड़ है, जो व्यापार संघ की यहाँ पर हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, वो ख़त्म हो गई है। तो श्रद्धालु के लिए अभी शॉप्स वगैरह खुल गई हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो अगर आप आना चाह रहे हो केदारनाथ यार, तो बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है, बट एडवांस बुकिंग वगैरह प्रिफर करें हर चीज़ का। और अभी देखिए चारों तरफ वादी में कोहरा लगा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो अर्ली मॉर्निंग हेली भी फ्लाई करने वाला है। सो इस बार जो है मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, वी हैव पवन हंस, एरो, कैस्टल एंड मोर, आई बिलीव, एग्जैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अभी उनका कोई भी आदमी यहाँ पर है नहीं, तो देखते हैं ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होती है नहीं होती है और टिकट मिलता नहीं मिलता है। बाकी यात्रियों की भीड़ यहाँ पर खचा खचा, सुबह से जाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन तो क्या होता है। बाकी ये रहा हमारा हेलीपैड केदारनाथ का, और एक हेलीपैड मंदिर के पीछे बना हुआ है जो कि ऑफिशियल है। हेली सर्विस रिज्यूम हुई है, नीचे मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो गई थी। तुम्हारा बाबा भाई पहुंच गया बाबा जी के आश्रम में, नाश्ता तो अवश्य करके जाऊंगा, नितिन इधर ही है और हमारे अयोध्या वाले भाई भी हैं सामने।
ये है नितिन, वीडियो में तो देखा होगा इंस्टाग्राम वायरल, और अयोध्या वाले भैया को तो देखा ही होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो ये जो है जब भगवान राम का जो मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब से और अब तक जो है आए हुए हैं और हर एक अपडेट दे रहे हैं की सेवा में लगे। और आज जो है केदारनाथ आए, कैसा लगा केदारनाथ? बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा लगता है जीवन में एक बार तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए। तो पहली फोटो आपकी जो है मिलियंस में लाइक आए, कैसा लगा? वो वाली फीलिंग कैसी थी? तो बद्रीनाथ और केदारनाथ से आपको प्यार मिल रहा है। हाँ। और ये नितिन भाई हैं, ये ब्लॉगिंग कम करते हैं और ये इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं काफी अच्छे तरीके से। बाबा केदार हर साल 2-3 बार आते हैं, फिर फिर आएंगे। तो हम भी आएंगे सितंबर में, फिर से मिलेंगे सितंबर में। होगा क्लोजिंग टाइम? क्लोजिंग टाइम तो क्लोजिंग तो नवंबर में होगा, सितंबर में थोड़ा सा कम्प्लीट रहेगा। बढ़िया, ठीक है ठीक है, सितंबर में आना। ठीक है, टाइम पे अच्छे से दर्शन वर्शन करेंगे, माहौल ठीक में बैठेंगे। तो सितंबर में हेलीकॉप्टर से आएंगे, ये कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से आएंगे, ये थोड़े से बड़े वाले ब्लॉगर है, क्या कर रहे हैं वीडियो बना दूंगा अयोध्या वाले आए थे हेलीकॉप्टर से। और नितिन कह रहा है कि वीडियो बनाएंगे अगर हेलीकॉप्टर से आए। ऐसा कुछ नहीं है, देखो पहली बार का था मैं, ये था पहली बार जाऊंगा तो ना वो करूंगा घोड़ा ना फिर पिट्ठू करूंगा, सब कुछ बैग वैग सब कुछ खुद ही टांग के आऊंगा, ऐसा नहीं करना। एक बार जो मन में श्रद्धा है ना उसको लेके आना है, वो जरूरी है। कि कितना सामान कितना केजी का था? दर्द बैग कितना है करीब? भाई मेरा बैग खाली खाली 5 किलो का है, खाली बैग लेके आया हूं। मेरा ये बैग लेके आ रहा हूं भाई, मेरा ट्रैवल बैग 400 लीटर वाला। अरे भाई साहब, तो 400 लीटर का ट्रैवल बैग लेके आया, फर्स्ट टाइम सब लोग यही करते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी गलती करी थी, बहुत भरा भरा बैग लेके आया था, लेकिन हाँ यहाँ पर यही है कि भाई कम से कम सामान लेके आओ। हम लोग का गैजेट ज्यादा हो जाते हैं ना, हम लोग गोप्रो और ड्रोन सब मुझे देखे चले जाओगे। हाँ सब इसको तो इनसे ही हमारा जो है कंटेंट क्रिएटर का ना बैग भर जाता है। तो भाई हम एक ही कपड़ों में घूमते हुए आपको नजर आएंगे, ये कपड़े के लायक हमारे बैग में जगह नहीं बचती है। सही बात है। चलिए, हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलाने काफी देर से फिर से बाबा केदार के दर्शन करके आ जाता हूँ, हर हर महादेव। अब फाइनली सवारी मिल गई है और जा रहे हैं वापस सिरसी। बहुत सुंदर ये केदार वैली के नज़ारे हैं। सिरसी पहुँचे हैं डायरेक्ट। तो गाइस मैं पहुंच गया नीचे, कुछ भी टाइम नहीं लगा नीचे, लेकिन ऊपर जाते हुए पैदल चलने में मज़ा आता है, खासकर टोली के साथ, अदरवाइज तो यार पहले से घर पर जा सकता है, बट अच्छा लगा। बद्रीनाथ जी जाते जाते हमारे टायर का ये हाल हुआ और पूरा गांव बुला लिया, पूरे गांव आ गया मदद करने के लिए। हमारा टायर फटा वहाँ पर, गाड़ी गिरी और भाई का बाइक गिर गया यहाँ पर, टायर फटा। बड़ी मनहूस सी जगह है, थोड़ा गोटी बैठा के करना उसका जी। तो हमारी बद्रीनाथ यात्रा शुरू हो गई है फिर से। भैया जी कहाँ जा रहे हो? भाई तो फिर से हम निकल पड़े हैं स्टेपनी लगा करके, और कम से कम आधा गांव आया था भाई स्टेपनी लगाने के लिए। गोटी फंस गई थी, लास्ट में सरदार जी ने कर दिखाया, हुआ हमारा टायर खराब और फिर जाए ये सीन हुआ। मैं इतना खतरनाक जाम लगा था, जो है इतना खतरनाक जाम लगने के बाद हम चोपता से अब निकले, अब जाके खुला हुआ है 3 घंटे से। पहले टायर पंचर हुआ, पहले हेली लेट हुआ, फिर टायर पंचर हुआ, और फिर इतना सब कुछ हुआ। फाइनली जा रहे हैं गोपेश्वर, आज स्टे करेंगे गोपेश्वर, कल पहुंचेंगे बद्री विशाल। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तुंगनाथ में, इस वजह से जो है इतना तगड़ा जाम लगा था। प्रशासन को बहुत सारे कॉल गए, उसके बाद जा कर के कुछ एक्शन लिया गया और ये जाम खुलवाया गया। एक इशू ये था कि गाड़ियाँ इधर उधर से बहुत सारी लगी हुई थी।